गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं एकदम। तो क्लासेस हो गई आपकी? कौन कौन सी क्लास हो गई अभी? BST की। वेरी गुड। और बस चलिए, तो हम अब इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था वो क्या हुआ था, आप बता सकते हैं? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली मार्क्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने कहा भी था आपको कि आप एक बार मुझे याद दिला लेना कि टैली मार्क्स करवाना है। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी, आपने याद दिला दिया मुझे। तो आप ऐसा करिए, टैली मार्क्स जो है वो लिखिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग, और उसके डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। टैली मार्क्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। टैली मार्क्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। लिखा इन द फॉर्म ऑफ, आगे लिखिए इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस। इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस। आगे लिखिए वी पुट वन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल वर्टिकल लाइन कैसी होती है?
वर्टिकल लाइन कैसी होती है? ऐसी। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? ऐसी। और डायगनल, जो डायगनल वाली लाइन होती है, डायगनल वो कैसी होती है? ऐसी। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले इसमें लिखा होगा अपने, वी पुट वन वर्टिकल लाइन फॉर ईच ऑफ द फोर काउंट। वन वर्टिकल लाइन फॉर ईच ऑफ द फोर काउंट। वन वर्टिकल लाइन फॉर ईच ऑफ द फोर काउंट एंड एंड अ डायगनल लाइन, अ डायगनल लाइन अ डायगनल लाइन इज पुट फॉर द फिफ्थ काउंट। अ डायगनल लाइन इज पुट फॉर द फिफ्थ काउंट। क्या कह रहे हो रक्षा? दिया। एंड अ डायगनल लाइन इज पुट फॉर द फिफ्थ काउंट। दीज ड्रॉइंग ऑफ लाइन्स, दीज ड्रॉइंग ऑफ लाइन्स These drawing of lines are telemarks, अब आप इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिख के और फिर इसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेलीमार्क्स को ड्रॉन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो मार्क्स 0 to 20, 20, 20 to 40, 40 to 50, 60, 60 to 80 और 80 to 100, ये मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो यहाँ पर एक के मार्क्स आए हैं कितने? 9। एक के आए हैं 22। एक के आए हैं 53। एक क्या है 78 और एक क्या है 96। मतलब इसमें ऐसे नहीं बोल सकते, चलो हटाओ, 20 और 40 के बीच में जो स्टूडेंट आए हैं उनके आए उनके मार्क्स कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? वो आए 7 बच्चों के। 40 से और 60 के बीच में जो आए हैं वो आए हैं 13 बच्चों के, और 60 से 80 के बीच में आए हैं वो आए हैं कितने? 27 बच्चों के, या फिर कम कर लो ताकि ज्यादा वो झंझट ना हो। और 80 से 100 बच्चों के बीच में जो मार्क्स आए हैं
वो आए 5 बच्चों के, ये 5 बच्चों के आए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी इसकी ड्रॉन करेंगे, 0 to 20 के बीच में जितने बच्चे आए हैं वो 9 बच्चे हैं, 20 से 40 नंबर के बीच में 7 बच्चे हैं, 40 से 60 के बीच में 13 बच्चे हैं, 60 से 80 के बीच में 17, और 80 के और 100 के बीच में 5 बच्चे हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके मार्क्स, जितने हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर आपको टैली मार्क करना है, क्या करना है, टैली मार्क। तो टैली मार्क करेंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है आपको इसी की, इसी का ही टैली मार्क होता है। तो पहले मैंने किया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और फिर इसके अंदर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ होगी बताइए, ऐसे यूं ड्रॉ होगी 5th लाइन रक्षा। देखिए एक तो ये भी है तरीका, वो देखिए ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, वेरी गुड सुधीर और रक्षा का एकदम करेक्ट आंसर है कि सर ऊपर वाला जो आंसर है वो सही है। तो अब देखिए 5 तक तो हो गए, 1 2 3 4, ये इसका 9 का टैली मार्क्स हमने लिख दिया। ऐसे ही 7 का कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आगे देखिए 13 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 के लिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये इसकी टैली मार्क्स हो गई। ऐसे 5 का, 1 2 3 4 5, तो बताइए टैली मार्क जो आपको बनाना आया या नहीं आया। रक्षा कह रही है सर छोटे थे तब पढ़ा था और अब आपने वापस से हमको छोटा बना दिया। क्या बेटा वापस से छोटा बना दिया क्या आपको? वेरी गुड,
देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, उसको हम समझेंगे। एक तो यूनी वेराइट एंड बाय वेराइट, यूनी वेराइट एंड बाय वेराइट पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था क्या? ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, यूनिवेरिएट और बायवेरिएट। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लिखिए टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें दो टाइप्स हैं। पहला लिखिए आप यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट और बायवेरिएट। देखिए आपको मैं, अगर मैं बात करूं, इसके जो आगे वर्ड लग रखा है यूनी, यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी का मतलब होता है सिंगल, और बाय का मतलब होता है टू और मोर देन टू। ठीक है, तो यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका जो डेफिनेशन है वो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड When data is classified on the basis of single variable, when data is classified on the basis of single variable, when data is classified on the basis of single variable, this distribution is known as univariate frequency distribution. This variable is known as univariate frequency distribution. Univariate frequency distribution. Univariate कैसे लिखते हैं आप लिख लीजिएगा, इसकी जो मीनिंग है, अगर आपको नहीं पता कि यूनिवेरिएट कैसे लिखते हैं तो आप देखिए, यू एन आई यूनि वेरिएट, वेरिएट ये यूनिवेरिएट हो गया। ठीक है, और दूसरा बाय वेरिएट कैसे होगा,
BIVARIAT बाय वेरिएट। क्या कह रहे हो राकेश, रिपीट कर दें तो दोबारा देखिए। जो इसका मीनिंग जो आपने लिखा होगा उसको देखिए आप। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिवेरिएट वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिवेरिएट। ओके, अब इसके अंदर आगे और लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके आगे और लिखना स्टार्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा इसी को ही, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉन एज इज ऑल्सो नॉन एज वन वे फ्रीक्वेंसी। वन वे फ्रीक्वेंसी, अब उसमें लिखिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास मतलब एक क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की हमने एक ही बात पर चर्चा करी है, एक ही बात पर सभी को देखा है, वो क्या हाइट। हमने जितने भी बच्चे हैं उन सभी की हाइट का पता किया, तो वेरिएबल क्या है एक, वो है हाइट। हाइट हमने सभी की पता करी, ठीक है। अब हमने हाइट पता कर ली है तो ये क्या हो गया, यूनि वेरिएबल हो गया, वन वे हो गया, ये वन वे, बस केवल हम ही ने दिया है उनसे हाइट का डिटेल सारा, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लिया सभी ने? अब आप दूसरे नंबर पे लिखना स्टार्ट कीजिए। ये तो हो गया आपका यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा जो है वो लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए वापस से बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो शी बेटा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इन अ क्लास मतलब पूरी क्लास के अंदर हमने किस बात पर चर्चा करी, एक ही वेरिएबल पर, वो है हाइट। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि हम एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे मार्क्स के ऊपर, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो वो क्या हो गया आपका यूनि वेरिएट, मतलब केवल मार्क्स के ऊपर चर्चा करी, मतलब पर्टिकुलर एक ही बात पर हम क्या करते हैं, वहां पर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका यूनि वेरिएट। समझ में आया, मतलब सिंगल थिंग, सिंगल चीज पर ही हमने यहाँ पर क्या की है, चर्चा करी है और उनसे डेटा को कलेक्ट किया है सभी क्लास के अंदर, जो कि क्या है, हाइट, बस इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। वेरी गुड तोशी। तो अब हम बात करते हैं दूसरा वाला, उसका हेडिंग डालिए बाय वेरिएट। तो उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल। व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ When data is classified on the basis of two variable, तो उसमें टू वेरिएबल, फिर उसके बाद में आप कॉमा लगा के लिखिए, सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर आप आगे और लिखना स्टार्ट कीजिए, सेकंड पॉइंट के अंदर, सेकंड पॉइंट डाल के, बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज इज ऑल्सो नोन एज टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल डाल के लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल डाल के लिखिए। हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो अब यहां पर आप देखिए, एक क्लास के अंदर पिछली बार केवल हमने हाइट के बारे में चर्चा करी थी, हाइट की डिटेल ली थी, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, हाइट की और वेट की दोनों की चर्चा कर रहे हैं, और वो हम यहां से क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल, हाइट और वेट, जबकि वहां पर एक ही वेरिएबल था, वो क्या था, हाइट। तो इसीलिए उसको क्या बोला, वन वे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और सिंगल वेरिएबल यहां पर क्या बोलेंगे, टू वे फ्रीक्वेंसी, और एग्जाम्पल के अंदर दो चीज लिख के चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको, सभी को? तो देखिए बेटा, अभी हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको पढ़ा था हमने, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है हमारे, जो भी डेटा को हमने कलेक्ट किया रॉ मटेरियल के फॉर्म के अंदर, ताकि हम हमारे डेटा को क्या बना सकें, इजी एंड अंडरस्टैंड बना सकें, ताकि आगे हम उसका और भी फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें, उसको प्रेजेंटेशन कर सके, उससे हम मेंचुरेशन मतलब ये सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सके, मीन मोड मीडियन क्लासिफिकेशन को करना जरूरी है। अलग अलग क्लासिफिकेशन के टाइप्स भी हमने पढ़े थे, वेरिएबल क्या होता है ये पढ़ा था हमने, ठीक है, एंड देन उसके बाद में हमने सीरीज के बारे में पढ़ा था। सीरीज इंडिविजुअल सीरीज भी होती है, डिस्क्रीट सीरीज भी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी होती है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अलग 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 टाइप्स हमने पढ़े थे। अरे बात समझ में? देन उसके बाद में हमने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे कि जैसे मिड वैल्यू क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, ठीक है, ये सब चीजें हमने निकालना सीखी थी। और अभी हमने यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट ये भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो बताइए, ये जो चीजें हैं अभी आपने करी है इस चैप्टर के अंदर, वो समझ आई क्या सभी को? बोलिए। वेरी गुड, सुधीर ने कहा यस सर, राकेश ने कहा यस सर, अपूर्वा ने भी कहा यस सर। वेरी गुड। तो बेटा अब अगर मैं बात करूं कि हम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, तो वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कौन सा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन करना तो हमने सीख लिया, ठीक है, अब हम उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हम अलग 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 चार्ट की फॉर्म के अंदर भी उसको प्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, पाई चार्ट में भी प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो हम ये सब सीखेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हॉरिजॉन्टल हो गया, और क्या बोलते हैं,
वर्टिकल भी हो गया, ये सब हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर करना है, ठीक है। तो अब अभी हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बेटा वो चैप्टर स्टार्ट कर नहीं सकते हैं अभी सिंपल। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर ही हम आगे प्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर, डायग्रामेटिक, ग्राफिकल, पाई चार्ट के अंदर, टेबुलेशन के अंदर क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे वन बाय वन हम इसको सीखेंगे। बार डायग्राम भी होता है, सिंपल बार डायग्राम होता है, मल्टीपल बार डायग्राम होता है, सब डिवीजन बार डायग्राम होता है, परसेंटेज में भी हम उसको दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ओजाइव कर्व होता है, ठीक है। ये सब हम वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी तो कोई इतना खास एक्सरसाइज तो नहीं है इसकी, आप इसके अंदर जिसके पास भी बुक है, अगर है किसी के पास बुक, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का पीछे का जैसे है ना क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, और पीछे कुछ ये टेली मार्क्स के भी दिए हुए हैं, और कुछ आपको सीरीज दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज पूरी, उससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज सीरीज बनानी है, कंटिन्यूस सीरीज बनानी है, तो वो भी अपन उससे कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा कोई खास नहीं है, आगे हम जो बात करेंगे वो सब बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चे एक बार लिख लीजिएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उसको फिर मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर बताना है आपको, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू।